नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जिले में 7 घंटे लगा लॉकडाउन शुक्रवार की शाम को शुरू हुआ। पुलिस और जिला प्रशासन ने समय पर सभी दुकान और बाजार बंद करवाना शुरू कर दिए थे। उसके बाद भी जहां व्यापारियों द्वारा अनदेखी की गई उसमें उनसे जुर्माना वसूला गया। गड़ा क्षेत्र में भी थाना प्रभारी राकेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस पर सक्रिय था। शुक्रवार की शाम 6 बजे के बाद दुकान और बाजार पुलिस द्वारा बंद कराए जाने लगे थे। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, उसके बावजूद भी गड़ा बाजार में कुछ दुकान खुली हुई थी जिन्हें बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन दुकान संचालकों की लगातार अनदेखी के बाद गड़ा पुलिस ने 3 से 4 दुकानों का चालान काटा है और 2-2 हजार का जुर्माना वसूल किया गया है। आज जो है लॉकडाउन जिला दंडाधिकारी द्वारा घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी 2-3 दिन पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जिसके आधार पे मैंने परसों दोपहर, कल दिन में 2 या 3 बार, आज दोपहर में SDM साहब और हम लोग यहाँ पर थे, तब भी मैंने अपने माइक से घोषणा की थी कि 6 बजे लॉकडाउन लग जाएगा। इसके बावजूद ये 3-4 दुकानें जो थी, इनके द्वारा जो है दुकान समय पर बंद नहीं किए। 6 बजे के बाद ये दुकान समेटना शुरू किए और लगभग 6:40-6:45 तक के इनकी दुकान खुली हुई है ग्राहकों से। इसमें इनको आज जो है 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना किए हैं और अगली बार हमें मिलेगी तो हम लॉकडाउन की कार्रवाई करेंगे। SDM साहब को हमने इस संबंध में बता दिया है।